सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो बच्चों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में, ठीक है, जिसका नाम है थिंग्स आर ब्यूटी। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें बताया क्या गया है, तो पहले हमें ये बताया गया है कि पोएट्री होती क्या है, ठीक है, और दूसरी बात हमें ये बताया गया है कि पोएट्री की जो लाइफ साइकिल क्या होती है, यानी पोएट्री मतलब कितने दिन तक जीवित रहती है, कितने दिन तक उसकी लाइफ साइकिल होता है, ठीक है, और तीसरी बात बताया गया है कि पोएट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग तीन बातों पर फोकस करेंगे, पहली बात कि पोएट्री क्या होती है, दूसरी बात हम देखेंगे कि पोएट्री की लाइफ साइकिल क्या होती है, और तीसरी बात देखेंगे कि पोएट्री और टाइम में क्या सिमिलरिटीज है, ठीक है। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा है, अ थिंग आर ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लव ने इंक्रीज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट इट विल कीप। तो देखिए इसमें जो थिंग्स आर ब्यूटी मतलब बेसिकली हमें पोएट्री की ओर इंडिकेशन दिया गया, ठीक है, इसमें जितने भी थिंग्स है मतलब क्या बेसिकली हैं, हाँ बेसिकली सब पोएट्री के बारे में, ठीक है, यानी कोई भी पोएम है तो उसकी ही जिक्र किया गया, ठीक है। इसमें दिया कि जो पोएट्री होती है उसका जो है हमेशा फॉरएवर होता है, क्यों, जैसे आप लोग कभी भी चाहे आप 10 साल पहले की कोई पोएम पढ़िए या 2 साल पहले की, दोनों में सेम ही रहता है, इसमें अंतर नहीं होता कि अगर हम 10 साल पहले पढ़े तो उसका अलग फील आएगा और 2 साल पहले वाली पढ़ेंगे तो हमें दूसरा फील आएगा, ठीक है, मतलब पोएट्री जो हमेशा उसकी जितनी कैपेसिटी है, जितना मनोरंजक रहती है या जितना एंजॉयमेंट रहती है, हमेशा उसका जॉय क्या रहता है, हमेशा ही रहता है, ठीक है। पास इंटू नथिंगनेस बट विल कीप, मतलब वह कभी भी समाप्त नहीं होगी, यानी उसका जो जॉय है या जिसको पढ़ने से जो हमें आनंद मिलता है वह हमेशा ही ग्रो ही होता रहता है, ठीक है। अब ओवर क्वाइट फार ऑफ एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, ठीक है, यहाँ पर उसकी जो है कैसी कंडीशन उसके बारे में बताई गई, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम मतलब कि अगर इनकी अगर पहले भी आपको ऐसा लगता है कि सपनों की दुनिया में उस पोएम ले जा रही है तो वह अभी भी ले जाएगी, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग एंड मतलब कि अभी भी उसमें उतनी सिमिलरिटी रहेगी जितना हम पहले पढ़ते थे उसमें रहते थे, ठीक है। आगे देयर फॉर ऑन एवरी मारो आर बी आर रेडिंग अ फ्लावर बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ, ठीक है, इसमें कहा है कि इसलिए हमें जो पोएट्री जाती है हमेशा ही सेम फील देती है, चाहे कुछ समय बाद हो जाए या कुछ मोमेंट बाद पढ़ें, ठीक है, अगर 2 साल बाद ही पढ़ेंगे तो वही फील आएगी, अगर आज भी पढ़ रहे हैं तो वही फील आएगी, ठीक है। तो हम लोग स्पाइट आर डिपेंडेंस ऑफ द ह्यूमन डस्ट ऑफ नोबल नेचर ऑफ ग्लूमी डेज, तो इसमें कहा है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंसान होते हैं समय के साथ क्या जाते हैं, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन जो पोएट्री रहती है वह कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। नोबल नेचर कहा गया मतलब कि जो नेचर है वह अभी उसको धीरे धीरे उसकी जो खूबियां उसको बढ़ाता ही रहता है, कभी पोएट्री की जो रिदम है या जो उसकी खासियत है कभी भी नुकसान नहीं होती है, वह हमेशा फॉरएवर ही रहती है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क बेर वेज सॉरी मेड फॉर आवर सर्चिंग यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, तो इसमें बता रहा है कि जो जितनी पोएम रहती है वह हमेशा चाहे कोई भी डार्क एटमोसफियर हो या कुछ भी हो, डार्क मतलब या कोई मतलब बुरा समय भी या खराब समय भी चल रहा है तो वह उसका जॉय भी हमेशा निश्चित ही रहेगा, चाहे आप गुस्से में पढ़ें चाहे प्रेम में पढ़ें चाहे सुख में पढ़ें चाहे दुख में, हमेशा जो है पोएम की जो है खासियत या सुंदरता हमेशा सेम ही रहती है, वह कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, क्यों, क्योंकि पोएम जो है फॉरएवर, वैसे भी नॉन लिविंग थिंग्स है, पोएम बेसिकली हमारी एक फीलिंग है, ठीक है, पोएम हमेशा जब भी कोई पोएट्री करता है तो वह क्या होता है उसकी बेसिकली फीलिंग होती है और वर्ड का मेल जोल होता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ें, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव अवे द पाल फ्रॉम अवर डार्क स्ट्रिप सच एज सन मून ट्री ओल्ड एंड यंग इज प्राउंटिंग अ सैडी बूम, इसमें बता रहा है, देखिए इसमें बता रहा है बेसिकली कि पोएट्री क्या खासियत होती है, तो मैंने बताया ना पोएट्री कभी भी समय के साथ नष्ट नहीं होती, यानी हमेशा फॉरएवर रहती है, कोई चाहे कोई डार्क स्पिरिट भी मतलब डार्क मतलब कि बैड थिंग्स या बैड एटमोसफियर भी उसे
खत्म नहीं कर सकता, ठीक है। जिस तरह सन मून ट्री ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग इन, जिस तरह सन हमेशा रहता है और मून भी हमेशा रहता है, और जो ओल्ड ट्री है हमेशा, देखिए ट्री देखिए क्या खासियत है, अभी ट्री चाहे कितने बूढ़े हो जाए कि हमें ऑक्सीजन देते हैं ना, फील तो ऑक्सीजन देते जाए, बूढ़े हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए हमें फील तो होता ही है कि ठंडी ही हवा देती है, तो है नहीं कि जैसे मान लीजिए बूढ़े हो गए तो हमें हवा देना बंद कर लेंगे, नहीं ना। और अगर हम किसी बगीचे या गार्डन में बैठते हैं तो हमें देखिए कितनी सुंदर सुंदर हवा आती है, चाहे आप किसी भी मौसम में जाएँ, ठंडी गर्मी बरसात, हमेशा सेम ही फील आता है, ठीक है। यहाँ पर फीलिंग की बात हो रही है, नहीं कि वहाँ पर तो ठंडी में तो ठंडा लगता है, ऐसे नहीं, एटमोसफियर से मतलब फील। उसी जगह पोएम भी जो है वो हमारी फीलिंग को हर तरीके से सेम ही ट्रीट करती है, चाहे दुख हो चाहे सुख, ठीक है। तो देखिए हमने कुल मिला जुला के इतने में क्या क्या कवर किया है, तो पहले हम इस बात को जान गए हैं कि जो पोएम होती है उसकी मेन स्पेशलिटीज क्या होती है और कैसे प्रोसीड होती है और उसकी लाइफ साइकिल या उसकी कितनी टेंडेंसी होती है, इसके बारे में हमने जान लिया, ठीक है। और बताया कि कितनी ज़्यादा लाभदायक होती है, इनकेस हमें पोएट्री जो होती है, हमें कभी भी नहीं ऐसा लग सकता कि आज कोई भी मान लीजिए पोएट्री है तो आज अच्छी लग रही है, दो दिन बाद वो खराब लगेगी, वो हमेशा उसका जॉय जो होता है यानी जितने पढ़ते समय जो हमें फील आता है उसकी फील हमेशा एक साथ रहती और नहीं तो दिन पर दिन बढ़ती जाती, ठीक है। और यह पोएट्री जो कभी भी डार्क एटमोसफियर सॉरी डार्क डार्क एनवायरमेंट में भी सेम ही फील आता है, यानी कोई भी परिस्थिति हो पोएट्री हमेशा हमें अच्छा ही फील करवाती है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते क्या लिखा है। फार सिंपल सीप एंड सच एज आर डेफोडिल सॉरी सच आर डेफोडिल विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्रियल रियल्स। तो डेफोडिल्स क्या है, डेफोडिल बेसिकली तरीके का प्लांट है, ठीक है। जिस तरह हमारा रोज एक प्लांट है उसे क्या होता है सुगंध आती है, उसी तरह डेफोडिल क्या है तरीके का प्लांट है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रिटिश में पाया जाता है वाला प्लांट, ठीक है। तो इसमें बता रहा है जिस तरीके से अगर हमारा जो वो फूल है उसकी क्या खासियत है कि हमेशा खुशबू देना, उसी तरह पोएट्री के काम क्या है, हाँ उसके हमेशा काम है कि दूसरों का कल्याण करना या हमें अच्छा फील करवाना, ठीक है। दैट्स फॉर देम सेल्फ कूलिंग कवर्ट मेक्स, ठीक है। जो हमें देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे आप लोग कभी नदी किनारे जाते होंगे तो ठंडा ठंडा महसूस होता है ना, एक्चुअल में वहाँ कहाँ ठंडी जो है कहाँ छुपी है, हाँ हवा में छुपी है। उसी प्रकार जो पोयम की जो फीलिंग्स है उसकी वर्ड में छिपी है, ठीक है, यही भर में इंडिकेट कर रहा है। अगेंस्ट द हॉट सीजन इन मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि आप जंगल में गए हैं तो वहाँ पर कहीं नदी है या तालाब, उसमें ठंडी ठंडी जो हवा आती है एक तरह से छुपी रहती है, नहीं उसी सेम प्रकार से जो पोयम की फीलिंग है वह उसके वर्ड में ही छिपी रहती है, और जितने पढ़ने वाले लोग होते हैं अपने हिसाब से उसको ट्रांसलेट करते हैं और अपने हिसाब से फील करते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डोम। तो यहाँ पर बता रहा है कि जो हमारी जो जितने देखिए मस्क रोज का ये भी एक तरीके का फूल है, ठीक है। वो भी जितने हमारी फूल है उनकी खासियत क्या है कि हमें फील अच्छा फील करवाना या गुड फील करवाना, ठीक है। उसी प्रकार ये जो हमारे जितने भी पोएट्री है या जितने भी स्टोरी है उसका काम क्या है, हाँ हमें अच्छा फील कराना और खुशी देना, ठीक है। ग्रैंडियर मतलब क्या होता है बताइए, हाँ ग्रैंडियर मतलब होता है कि शाम से, ठीक है। तो वी हैव इमेजिन फॉर द माइंड डेड ऑल द लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड आर रीड। तो यहाँ पर कह रहा है जितने भी हमने आप लोगों की दादी या जितने मम्मी पापा होंगे कहानियाँ जो सुनाते हैं उसके बारे में जिक्र किया गया, जितनी भी हमने कहानियाँ या जितनी भी स्टोरी हमने रीड की है वह क्या हमें अच्छा फील करवाती है और क्या होता है और हमारे मूड को भी फ्रेश कर देती है। उसी प्रकार एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम हेवन ड्रिंक। तो उसी प्रकार जो पोएट्री है, हेवन मतलब क्या होता है स्वर्ग और इमोर्टल मतलब क्या अमृत, जो हमारी जो पोएट्री है वह अमृत की तरह हमें फील करवाती है और हमें पूरी तरीके से मैच्योर बनाती है और हमें क्या अच्छा फील करवाती है, जिसके कुल मिला जुला कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जितनी भी हमारी पोएट्री है उसका मेन मोटो क्या रहता है कि हमें अच्छा फील कराना, तो वह एक अमृत की तरह हमारे अंदर संचार होता है और
अच्छा फील कराती है। ठीक है, आप लोग समझ आ गए। अगर आप लोग कहीं का दिक्कत हो या कुछ वर्ड की मीनिंग नहीं आ रही हो तो हमें पूछ लें, मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। अगर आप लोग यहाँ तक आके चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।